यह शनिवार सुबह से ही तेज बारिश के चलते इलाकों में जलभराव हो गया और सड़कें जलमग्न हो गईं। बसें और अन्य वाहन दरिया बने और बीच सड़क पर फंसे रहे। मधुर विहार इलाके में एक बस फंसी हुई है, वहीं मोतीबाग और आरकेपुरम में भी जलभराव के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भारी बारिश जारी है। सुबह भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास मध्यम से भारी बारिश गरज के साथ जारी रहेगी। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में झमाझम बारिश जो है वो नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में सड़कों पर एक लंबा जाम लग गया बारिश की वजह से। और तीसरी तस्वीर जो है, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं, जो कारें हैं, जो वाहन हैं, वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ये हाल जो है देश की राजधानी दिल्ली का है, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं उनका है कि जहां पर सड़कें जो हैं बारिश की वजह से जलमग्न हो गई हैं, पानी की निकासी की समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। हालांकि जो प्रशासन है बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन वो दावे की जो पोल है खुलती नजर आ रही। इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ गए हैं। जयवीर, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि पानी की निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक है, उसके बावजूद तस्वीरें सामने आती हैं जहां रोडों पर इतना पानी, कार जो है डूबती नजर आ रही। अगर बात करें तो बारिश देर रात के रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जगह पर जलभराव है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में तमाम जगह जलभराव है। वही कई कॉलोनियों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया है, जिसको लेकर जो जलभराव था और तमाम जो सड़कें हैं पूरी तरह से जाम है। सड़क मुख्य मार्गों की बात करें तो मुख्य मार्गों पर भारी जाम लगा हुआ है, वाहन रेंककर चल रहे हैं। वही जो कॉलोनिया की बात करें या फिर हम बिल्कुल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया जयवीर तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली का यह हाल है, दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, गाजियाबाद नोएडा का भी यही हाल है। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बने रहिए के न्यूज।